नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट सेंचुरी। टीम इंडिया में हुई भयंकर गुटबाजी, कोहली के साथ एक बार फिर धोखे की तैयारी, ढाल बनकर खड़े हुए धवन और द्रविड़, तो क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आने वाली है और वनडे मैचों की तैयारी चरम पर है। कोहली के एक इंटरव्यू से बवाल मच गया है और उसी के साथ टीम इंडिया में खलबली मची हुई है। हालात तो ये है कि टीम इंडिया दो गुटों में बट गई है। विराट कोहली इस पूरे मामले से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं धवन और राहुल द्रविड़ भी विराट कोहली के साथ खड़े हो गए हैं। तो विराट कोहली ने सौरभ गांगुली और रोहित शर्मा को लेकर भयंकर खुलासे किए थे, जिसमें कहा था कि उन्हें वनडे और टेस्ट कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। सूत्रों के मुताबिक पूरा बीसीसीआई कोहली से इस इंटरव्यू से काफी ज्यादा नाराज था। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने कोहली पर एक्शन लेने की बात कही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रोहित कोहली को पहले वनडे मैच से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बात आपको बता दें, और वो बात यह है कि किसी मैच के लिए टीम फाइनल होती है तो भले ही उसे कप्तान ही चुनता हो, लेकिन बिना हेड कोच के साइन के टीम फाइनल नहीं होती है, जो कि राहुल द्रविड़ हैं। द्रविड़ ने साफ किया है कि प्लेइंग 11 में जब तक कोहली के कुछ खिलाड़ी शामिल नहीं करेंगे, वह लिस्ट पर साइन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर टीम इंडिया दो गुट में साफ साफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप रोहित और कोहली में किसकी टीम के साथ हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।